हेलो एवरीवन, आज हम लोग बनाने वाले हैं मटन, जो कि होने वाला है ढाबा स्टाइल। तो यहाँ पर हम लोग मटन ने लिए है करीबन 750 ग्राम, यानी कि 750 ग्राम्स। दो छोटे छोटे चॉप किए हुए प्याज ले लेंगे, 3 से 4 बड़े साइज़ के प्याज स्लाइस करके, 1-2 चम्मच हल्दी, छोटी सी टमाटर, 1-2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1 चम्मच तीखी लाल मिर्च, 2 से 3 बड़े चम्मच मीट मसाला लेंगे। और खड़े गर्म मसाले आपके पास जितने हैं ना, आप उसमें से थोड़े थोड़े ले सकते हैं। हम यहाँ बड़ी इलायची, छोटी इलायची, सिनेमन स्टिक, लौंग वगैरह ले लिए हैं। आपके पास जो भी अवेलेबल है ले लीजिए। इसके बाद नमक स्वाद के अनुसार, छोटी मिर्ची छोटे छोटे कट करके रख लीजिए। ये है धनिया पाउडर करीबन 2 से 3 बड़े चम्मच। ये है दही घर का जमाया हुआ 3 बड़े चम्मच। तो चलिए प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अब यहाँ पर मैरिनेशन की बारी आती है। तो मटन में हम लोग डाल देंगे हल्दी, मिर्ची पाउडर और इसमें हम लोग डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार। अब मिर्ची पाउडर ना इसमें तीखी वाली डालिएगा, कश्मीरी लाल मिर्च अभी नहीं डालना है आपको। अब इसमें हम लोग डाल देंगे घर की जमाई हुई दही। इस सब को डालने के बाद सबको अच्छे से मिक्स करना है। और एक बात, अगर आप इसे ओवरनाइट छोड़ देते हैं तो ये ज़्यादा स्वाद लगेगा। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 1/2 घंटा 1 घंटा भी इसके साथ रख सकते हैं, मैरिनेशन के साथ कोई इशू नहीं है। तो हम भी मिक्स करके रख देंगे क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं है, तो हम लोग भी 1 घंटे एटलीस्ट इसको मैरिनेट करके रख देंगे। अब एक कुकर लेंगे जिसमें सरसों का तेल डालेंगे और इसमें हम लोग थोड़े से ज़ीरा, गरम मसाले जो भी अपने आपने लिए रखे वो इसमें डाल दीजिए और थोड़े सेकंड्स के लिए सॉटे करिए। उसके बाद अपने स्लाइस किए हुए जो प्याज थे वो इसमें डाल दीजिए। स्लाइस के प्याज डालने के बाद इसे आपको फ्राई करना होगा मीडियम टू लो फ्लेम पे, हाई फ्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम लोग डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट करीबन 2 बड़े चम्मच। अब इसको डाल के हमें मिक्स करना होगा। ये देखिए अदरक जो है वो हम चॉप करके रख लिए हैं, क्रश करके रख लीजिए, जैसे भी आपको पसंद है आप रख सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये बॉयल होगा और इसमें सीटी लगेगी। अब इसमें हम डाल देंगे नमक ताकि कुकिंग प्रोसेस जो है प्याज का वो फास्ट हो जाए। अब इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे तरीके से भुनना होगा, फ्राई करना होगा। तो ये मटन की रेसिपी, सोचिए सावन ख़त्म हो गया है तो एक रेसिपी मटन की तो बनती ही है। अब इसमें हम डाल देंगे मीट मसाला पाउडर। मीट मसाला पाउडर डालने के बाद वापस से आपको सारी चीज़ों को, यानी कि प्याज, लहसुन, गर्म मसाले एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों को अच्छे से आपको मिक्स करना होगा। ये देखिए, और अल्टीमेटली थोड़े टाइम के बाद आपको कलर में चेंजेस दिखने लग जाएंगे। जैसे ही ये आपको लगने लग जाए, रॉ स्मेल जो है वो चली गई है, आप अपने जो मटन है, मैरिनेटेड मटन है, इसमें आप डाल दीजिए। ट्रस्ट मी, ये बहुत डिलीशियस लगता है, बहुत ज़्यादा टेस्टफुल लगता है। ये देखिए, मटन डालने के बाद आपको अच्छे तरीके से पहले तो इसे भुनना होगा। फ्राई करने में कोई कटौती नहीं मटन के साथ, तो इसमें अच्छे से इसको भुनिए। लहसुन प्याज वगैरह अच्छे से इसमें है, मीट मसाला है, तो सारी चीज़ों को अच्छे से फ्राई करना है आपको। ये देखिए, फ्राई होने के बाद कलर में आप देख सकते हैं कितने चेंजेस आ गए हैं। ये देखिए, परफेक्टली जो प्याज है वो मटन के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम लोग रिक्वायर्ड अमाउंट का पानी डालेंगे। पानी उतना ही डालना है क्योंकि इसे हमें बॉईल करना होगा और उसको सीटी लगानी है इसे हमें। तो इसमें हम लोग सीटी लगाएंगे करीबन 4 से 5 सीटी, तो उस अकॉर्डिंग इसमें हम लोग पानी डाल दिए हैं। ये देखिए, पानी जो है वो सफिशिएंट अमाउंट का पानी है। इसमें मसाले और आगे जाएंगे, डोंट वरी, ऐसा ही ये नहीं बनेगा। तो ये देखिए, इसको अभी हम लोग बंद कर देंगे और 4 से 5 सीटियों तक इसे छोड़ क्या देंगे। इसे हम लोग 4 से 5 सीटी के बाद ही बंद करेंगे। तो जैसे ही आपकी जो कुकर में सीटियाँ लग रही हैं, साथ ही साथ आप अपने मसालों की भी तैयारी कर लीजिए। अब सरसों का तेल लीजिए कढ़ाई में और उसमें डाल दीजिए खड़ा ज़ीरा, तेज़पत्ते, ये देखिए, और इसे थोड़े टाइम के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए सॉटे भी आप कर सकते हैं, वरना इसके साथ तुरंत ही आप इसमें अपने चॉप्ड किए हुए जो प्याज है वो इसमें डाल सकते हैं। अब इसे आप साथ में फ्राई कर लीजिए। जो चॉप्ड किया हुआ प्याज है तो ये जल्दी गलने लगेगा, सो उसमें आपको टाइम नहीं लगेगा। प्याज डालने के बाद इसमें हम लोग डाल देंगे आपकी हरी मिर्ची। ये देखिए, प्याज जो है वो आराम से फ्राई होने लग गए हैं, तो इसमें हम लोग अपनी कटी हुई हरी मिर्ची डाल देंगे। अब जो स्पाइसीनेस है, यानी कि जो इसका तीखापन है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको और तीखा चाहिए तो इसमें आप और भी तीखी वाली हरी मिर्ची डाल सकते हैं। हम लोग उतना ज़्यादा स्पाइस मतलब नहीं खाते हैं उतना ज़्यादा, तो हम लोग इसमें कम डाले हैं। बट एकदम कम मत डालिएगा, वरना फिर वो मटन के साथ जो फ्लेवर्स है ना वो नहीं आ पाएंगे। सो इसमें मॉडरेटली हम लोग इसमें मिर्ची डाल दिए हैं। टमाटर डाल देंगे चॉप करके एक छोटे साइज़ की। अब टमाटर के साथ नमक तो मैंडेटरी है, तो नमक भी इसमें डाल दीजिए और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करिए। यानी कि आपको फ्राई करना होगा मीडियम टू लो फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे कतई नहीं करना है। तो ये देखिए, टमाटर जो है वो प्याज के साथ अच्छे से मिक्स हो रहे हैं, फ्राई हो रहे हैं। तो इसमें हम लोग डाल देंगे हल्दी पाउडर। अब हम लोग इसमें डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर।
ये देखिए, तो हमने क्या करा है, कश्मीरी लाल मिर्च के साथ ही हमने तीखी वाली भी मिक्स करके एक ही साथ डाल दिया है। अब इसमें हम डाल देंगे धनिया पाउडर। धनिया पाउडर डाल के इन सबको अच्छे से आपको करना होगा मिक्स। ये देखिए, अच्छे से आपके मसाले प्याज टमाटर को आपको करना होगा फ्राई। अब आप देख सकते हैं जो मसाले हैं वो एकदम ड्राई हो चुका है, तो इसमें थोड़ी सी छोटी सी कटोरी से हम लोग इसमें पानी डाल देंगे ताकि मसाले प्याज टमाटर जले नहीं। तो इन सबको डालने के बाद अच्छे से आपको वापस से मिक्स करके फ्राई करना होगा। तो जैसे ही रॉनेस जो है वो खुशबू जो है इसकी कच्चेपन की वो चली जाती है, इसको आप फ्लेम को कर दीजिए ऑफ और कढ़ाई को कर लीजिए साइड। अब अपना कुकर चेक करिए, इसमें 4 से 5 अगर सीटियाँ लग गई हैं तो बस इसे आपको खोलना है। और ये देखिए, मटन जो है वो आराम से पक गए होंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। एक बार वापस से इसको स्टर कर दीजिए मटन को, और इसके बाद अच्छे से एक दो स्टर करने के बाद अपने जो मसाले इतने मेहनत से आपने भुन के रखे हैं ना, आपको इसमें डाल देने हैं। ये देखिए, अब मटन जो है चूंकि हेवी है क्योंकि इसमें पानी है और मटन का फ्लेवर जो है इस कुकर के अंदर है, तो हम लोग मटन को नहीं यहाँ से छेड़छाड़ करेंगे। इसमें हम लोग डाल देंगे टमाटर और प्याज का जो मसाला था वो। तो अब देखिए, फ्लेम जो है आपको ऑफ नहीं करना है, जब आप कुकर खोलें तो फ्लेम को वापस से ऑन कर दीजिए लो फ्लेम पे ही। उसके बाद जैसे आप मसाले डालें फ्लेम को मीडियम कर दीजिए और इसे अच्छे से मिक्स करके कुछ टाइम के लिए बॉयल करना होगा आपको, ताकि मसाले हैं मटन के, मटन में जाने भी तो चाहिए, ये नहीं कि मसाले अलग मटन अलग हो जाएगा। सो बेसिकली इसको आपको अच्छे से मिक्स करके थोड़े टाइम के लिए लो फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे आपको बॉईल करना होगा। तो इसको थोड़ा सा आपको स्टर करने की ज़रूरत पड़ सकती है ताकि मसाले हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए सारे मटन पीसेस में, यानी कि एक साथ ही ज़्यादा इकट्ठे हो जाए। और आपको अपनी ग्रेवी की भी ध्यान रखनी है कि ज़्यादा थिक या थिन ना हो। तो ये देखिए, यहाँ पर एकदम परफेक्टली ये पक रहा है, इसको हम लोग थोड़ा टाइम के लिए कवर करके बेचारे को छोड़ देंगे, छेड़छाड़ अब नहीं करेंगे। तो 2 से 4 मिनट के बाद आप जब कुकर की जो लिड है उसको आपको पूरे अच्छे से लॉक नहीं करना है, बस कवर करना है। तो ये देखिए, ग्रेवी जो है मटन की वो परफेक्टली अच्छे से जैसे हमें चाहिए थी, रिक्वायर्ड थी, उतनी हो चुकी है। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो इसमें पानी आप और डाल सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे, ताकि हम लोग जो चावल वगैरह खाएं तब मटन के साथ अच्छे से चावल या पराठे जो है वो सूट कर जाए, बैठ जाए, मतलब खाने में दिक्कत परेशानी ना हो। सो हमें इसे चावल के साथ खाना है तो थोड़ा सा ज़्यादा ग्रेवी लगेगी। तो ये देखिए, अब इसे हम लोग लॉक कर देंगे और फ्लेम को कर देंगे ऑफ, और 2 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे कुकर के अंदर, और उसके बाद इस डिलीशियस को हम लोग कर लेंगे सर्व। होपफुली वीडियो अच्छी लगी हो।